मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जारी है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पवई के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही पवई 100% वैक्सीनेट हो जाएगा। कोरोना महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना के टीके जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सभी को लगाई जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करने पवई पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया और वैक्सीन लगवाने आए लोगों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द पवई 100% वैक्सीनेट हो जाएगा। वैक्सीनेशन का 25 तारीख को महाअभियान हमारी सरकार ने लिया है जी। मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस महाअभियान के साथ लोगों की जान को सुरक्षित करने का जो अभियान है, लोगों के जीवन बचाने का अभियान है। हमने 21 तारीख को जो हमारा महाअभियान था उसमें भी पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया था जी। माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का अभियान भारत की करोड़ों करोड़ जनता के लिए दिया है और मध्य प्रदेश के अंदर भी आज मैं पवई के हमारे इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हूँ। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।